इस वीडियो में हम लोग साइंस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन चेक करने वाले हैं। ये पेपर केंद्रीय विद्यालय वन सदर बाजार दिल्ली कैंट का है, जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस पेपर में प्रॉब्लम्स कैसे पूछे हुए हैं और इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287, स्टेट इट्स ग्रुप एंड पीरियड एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द ऑक्साइड। 287, इसमें नंबर ऑफ शेल यूज हो रहे हैं 3, इसलिए ये हो जाएगा थर्ड पीरियड का। और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 17। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, यहाँ पे 287 टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 17 आएगा, मतलब ये क्लोरीन होगा। और इसका ऑक्साइड का नेचर, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला दिस। तो पहला पूछ रहा है व्हाट डू एन एंड टू एन सिग्निफाई। तो एन सिग्निफाई यहाँ पे करेगा नंबर ऑफ कार्बन एंड टू एन सिग्निफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन टू द एल्कीन। वाट इज द IUPAC नेम ऑफ द एल्कीन वेन एन इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 4 यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा C4H8। और चार कार्बन के कंपाउंड को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, एल्कीन है इसलिए इन लगा देंगे तो आ जाएगा ब्यूटीन। राइट टू डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स होता है वो डिवाइड होता है जिससे टू डॉटर सेल्स जनरेट होते हैं, और यहाँ पे एक पेरेंट सेल से बहुत सारे डॉटर सेल जनरेट होंगे, इसलिए यहाँ पे मेनी डॉटर सेल आ जाएगा। दूसरा, इसका डिवीजन केवल एक बार होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होगा केवल एक बार डिवाइड होगा, यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन न्यूक्लियस का चलता रहेगा, यानी कि मेनी टाइम्स न्यूक्लियस डिवाइडेड। और तीसरा है, जो बाइनरी फिजन है हमेशा वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, और मल्टीपल फिजन फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में हो सकता है। एग्जाम्पल में बाइनरी फिजन में आप अमीबा पैरामीशियम लिख सकते हो, और मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द पिक्चर गिवेन बिलो डिपिक्ट द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मोड से होता है, मल्टीपल फिजन, इसलिए ये मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होगा। तो पहला हो जाएगा मल्टीपल फिजन। व्हाट इज मीन्ट बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। और जब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो गैमिट होगा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट ZW एंड ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये ZW और ZZ टाइप अगर कहीं पे आता है तो वो XX और XY सेक्स डिटर्मिनेशन का ठीक अपोजिट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ होमोजाइगोसिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल। यानी यहाँ पे होमोजाइगस फीमेल होता है और हेट्रोजाइगस मेल होता है इन केस ऑफ ह्यूमन। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी जो हेट्रोजाइगस है वो फीमेल होता है और होमोजाइगस मेल होता है। और ये एग्जाम्पल आता है बर्ड्स के अंदर, फिश के अंदर भी ये आता है। तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल होगा वो टू डिफरेंट टाइप के गैमेट जनरेट करेगा, मेल सेम टाइप के गैमेट जनरेट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द फीमेल, नॉट ऑन द मेल। नेक्स्ट है, डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स। अगर हम यहाँ पे ह्यूमन के केस में फीमेल की बात करें तो फीमेल हमेशा जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसमें क्रोमोसोम्स केवल एक्स होंगे, और मेल गैमेट प्रोड्यूस दो टाइप के करता है, एक्स और वाई। तो जब ये एक्स इस एक्स के साथ कंबाइन होगा तो एक्स एक्स टाइप,
और वाई के साथ एक्स वाई टाइप आएगा, यानी कि फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही जनरेट करता है और सेक्स डिटर्मिनेशन इस वाई की वजह से होता है। इसलिए ह्यूमन के केस में केवल मेल ही सेक्स को डिटरमाइन करता है, फीमेल का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की वर्किंग यही है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी लूप को रोटेट करते हैं, तो लूप को रोटेट करने से यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होता है और उसी करंट को हम लोग बाहर यूज कर लेते हैं। मीन्स व्हेन अ लूप इज रोटेटेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन अ इंड्यूस करंट इज जनरेटेड एंड दैट करंट इज यूज्ड। यहाँ पे जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा उसी की डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग ने अपना राइट हैंड रूल दिया था। इसका आर वाला पार्ट है, यहाँ पे एक कॉयल दिया गया है और इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है किसी भी बार मैग्नेट का एन पोल। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब एन पोल को हम लोग किसी भी कॉयल की तरफ अप्रोच कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमेशा जो डिफ्लेक्शन होगा वो राइट साइड होता है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा इन राइट साइड, मतलब कि क्लॉकवाइज। दूसरा कह रहा है कि जब इसको हम हेल्ड कर देंगे इस कॉयल के अंदर, तो जैसे ही इसको हम यहाँ पे बीच में लाके स्टेशनरी कंडीशन में डाल देंगे तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अराउंड जनरेट हो रहा था वो रुक जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन फिर नहीं होगा, इसलिए आपको लिख देना नो डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक फूड चेन दिया गया है, इसी फूड चेन पे बेस्ड उन्होंने कुछ पूछा हुआ है आपसे। इन द एबव फूड चेन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल हैव मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी एंड मिनिमम अवेलेबल एनर्जी। तो किसी फूड चेन में आपको पता है कि जैसे जैसे आप ट्रैफिक लेवल में ऊपर जाओगे आपको एनर्जी कम मिलेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी ग्रास को और सबसे मिनिमम एनर्जी अवेलेबल होगा ईगल को अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। इसी का आर वाला पार्ट है, इन अ बायोलॉजिकल क्लास टीचर टॉट स्टूडेंट अबाउट द एनर्जी फ्लो। यहाँ पर उसका एक डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू ऑल फ्रॉम स्नेक, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे आपको पता है 10% लॉ के अकॉर्डिंग केवल 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट किसी भी ट्रॉफिक लेवल को। तो अगर ग्रास ऑपर को यहाँ पे 5000 जूल एनर्जी मिला है तो इसका 10% इसको जाएगा, मीन्स 500 जूल, नेक्स्ट को 50 जूल, फिर नेक्स्ट को 5 जूल, यानी कि जो स्नेक से आउल को एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो केवल 5 जूल ट्रांसफ़र होगा। फिर इसी में पूछा हुआ है कि क्या हम यहाँ पे किसी भी ट्रॉफिक लेवल से ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। तो किसी भी फूड चेन के अंदर जब किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल से ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव करते हैं तो उसके जो नेक्स्ट लेवल पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी मिलती नहीं है, इसलिए पूरा जो फूड चेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल से ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं कर सकते। सेक्शन बी, थ्री एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड हैव एटॉमिक नंबर 7, 8 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, आइडेंटिफाई देयर पोजीशन, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो यहाँ पे एक्स 7 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 एंड 5, वाई 8 का 2 एंड 6 और Z9 का हो जाएगा 2 एंड 7। तो यहाँ पे दो सेल इन्वॉल्व हैं इसलिए सेकेंड पीरियड और लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 15th ग्रुप। इसका भी सेकेंड पीरियड रहेगा लेकिन ग्रुप नंबर हो जाएगा 16th। इसका भी सेकेंड पीरियड रहेगा लेकिन ग्रुप नंबर हो जाएगा 17th। सेकेंड, अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले साइज के लिए हम लोग नंबर ऑफ शेल काउंट करते हैं, जिसमें शेल का काउंट ज़्यादा आएगा उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल सेम है इसलिए हम जाएंगे फिर एटॉमिक नंबर के बेस पे, तो
जिसका एटॉमिक नंबर कम रहता है उसकी साइज बड़ी रहती है, इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पे एक्स होगा, उसके बाद वाई, सबसे छोटा यहाँ पे जेड होगा। राइट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एक्स कंबाइंड विद जेड। यहाँ पे एक्स का वैलेंसी आएगा 3 एंड वैलेंसी ऑफ जेड इज 1। यहाँ पे वैलेंसी को हम इंटरचेंज करके फार्मूला लिखते हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला आ जाएगा एक्स जेड 3। द टेबल गिवेन बिलो शो सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पी क्यू आर एस। ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसके बेस पे आपको आंसर देना है। पहला, विच होमोलॉगस सीरीज डज C3H8 बिलोंग्स टू। अगर इस फॉर्मूले को देखो तो ये एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसलिए आप लिखोगे कि इसका होमोलॉगस सीरीज होगा एल्केन का। सेकेंड है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू द एल्केन सीरीज। ये भी एल्केन के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, दिस वन आल्सो फॉलो द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन एंड दिस वन इज आल्सो, दैट्स वाई दीज थ्री बिलोंग्स टू एल्केन एंड दिस वन इज फॉलो द फॉर्मूला ऑफ द एल्कीन, दैट्स वाई इट इज बिलोंग्स टू एल्कीन। तो यहाँ पे एल्केन सीरीज से 3 आएंगे, पी क्यू एंड आर। सी ए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवेन एबव स्टेट 1 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्केन सीरीज। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में हम लोग आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे लिख देना है एज द चेन लेंथ इंक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन आल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट है, स्टडी द डेटा ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरी ए बी सी ऑफ सम एलिमेंट्स। तो ये डेटा दिया गया है, इसके बेस पे आपको आंसर देना है। फ्रॉम द गिवन 3 कैटेगरी ए बी एंड सी पिक द वन विच फॉर्म डॉबरेनर ट्रेट्स। तो डॉबरेनर ट्रेट्स में आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट वाला, जिसमें उन्होंने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट का जो भी एटॉमिक मास होगा उसका एवरेज मास होता है सेकंड वाले का, जिसमें एक कैटेगरी उन्होंने लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बनाई थी, इसलिए इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। सेकंड है, व्हाई डिड मेंडली प्लेस्ड एलिमेंट ऑफ कैटेगरी ए बी एंड सी इन 3 डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप में एलिमेंट्स को मेंडलीफ ने किस बेस पे डाला था? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप में डाला गया है। नेक्स्ट है, इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लीकेबल टू ऑल द 3 कैटेगरी, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो अप्लीकेबल केवल था अप टू कैल्शियम, यानी कैल्शियम के बाद उनका जो भी अरेंजमेंट था वो फेल हो जा रहा था। तो यहाँ पे ए कैटेगरी में जो एलिमेंट्स है वो पोटेशियम तक यानी कि 19 तक है, यहाँ पे तो अप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड वाले में एएस और थर्ड वाले में गैलियम, इनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव केवल अप्लीकेबल होगा फर्स्ट के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल ये नहीं है। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि इन्होंने अपना जो भी कैटेगराइजेशन था वो केवल कैल्शियम तक ही दिया था। नेक्स्ट, वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है और पूछा हुआ है सबसे पहले कि T1 और T2 में रिलेशन क्या है। तो T1 T2 यहाँ पे टेम्परेचर है, और आपको पता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आल्सो इंक्रीजेस, और जब रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो हम सेम वोल्टेज पे यहाँ पे पहले करंट चेक कर लेंगे, तो सेम वोल्टेज पे इस T1 के लिए करंट इतना होगा और T2 के लिए करंट इतना, इन करंट T2 के लिए ज़्यादा है, T2 के लिए करंट ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे R कम है और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये टेम्परेचर भी कम है, इसलिए T1 बड़ा होगा और T2 छोटा। इसका सेकेंड पार्ट है, अ 2 मीटर लॉन्ग वायर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 mm हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। वाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ इट हैज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 mm स्क्वायर।
चलिए, आप जानते हो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, और किसी भी वायर के लिए रो की वैल्यू फिक्स रहेगी, यानी अगर हम रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन लिखें तो आर वन बाई आर टू इक्वल टू होगा एल वन बाई ए वन मल्टीप्लाई ए टू बाई एल टू। यहाँ पे लेंथ में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, इसलिए लेंथ को कैंसिल कर देंगे हम लोग, यानी कि आर वन बाई आर टू का रिलेशन होगा ए टू बाई ए वन। ए टू को इन्होंने किया हुआ है टू, ए वन है वन, इसलिए जो रेजिस्टेंस आर टू आएगा वो आर वन बाई टू आ जाएगा, मीन्स पहली कंडीशन का आधा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 ओम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द फोर रजिस्टर्स शोन इन फिगर। आपको करेंट बताना है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगे हुए दिख रहे हैं, इसलिए ये आर एस वन आ जाएगा, 10 प्लस 10 मीन्स 20 ओम। ये दोनों भी सीरीज में लगे हैं, इसलिए आर एस टू भी आ जाएगा, 10 प्लस 10 मीन्स 20 ओम। अब इनका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल आएगा, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20 मीन्स 2 बाई 20 1 बाई 10, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 10 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, सो आई इक्वल टू वी बाई आर, वी इज इक्वल टू 3 वोल्ट एंड आर इज 10, सो द आंसर इज 0.3। ये एम्पियर में आंसर आ जाएगा, इसी में आर वाला पार्ट है। फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवेन बिलो कैलकुलेट करेंट इन ईच रजिस्टर, टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड, अभी आगे भी कुछ होगा इसमें। तो ये तीन रजिस्टर आपको पैरेलल सीरीज में लगे हुए दिख रहे हैं, तो टोटल करंट निकालने के लिए या तो हम इनका अलग अलग करंट निकाल के ऐड कर लें, या फिर हम ओम्स लॉ को यूज कर लें टोटल रेजिस्टेंस के साथ। तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे जो करंट होगा आई वन वो होगा वी बाई आर, तो वी है 6 बाई 30, इसका आंसर आ जाएगा 0.2। सेकेंड यहाँ पे निकालेंगे इसका आई टू, टी हो जाएगा वी बाई आर मीन्स 6 बाई 10 0.6। थर्ड आई थ्री आएगा वी बाई आर 6 बाई 5 1.2 एम्पियर, और तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आई आ जाएगा मीन्स 2 एम्पियर। इसको हम दूसरे तरीके से भी अभी टोटल निकालेंगे, तो टोटल करंट आ गया और करंट इन ईच रजिस्टर आ गया। थर्ड यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे तीनों कंबाइन हुए हैं पैरेलल, तीनों पैरेलल सॉल्व कर देंगे, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5, टी हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 6, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 बाई 10 मीन्स 3 ओम। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, वेयर कैन बी फाइंड ग्रेटर वेरिएशन इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन ज़्यादा मिलता है, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एंड वेन गैमिट ऑफ द मेल एंड फीमेल आर फ्यूज टूगेदर, देन द कैरेक्टर्स ऑफ द बोथ पेरेंट्स आर मिक्सड एंड द इंडिविजुअल विच आर फॉर्म हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, सो लार्ज वेरिएशंस आर अपीयर इन टू द इंडिविजुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सो इट इज़ जस्ट द कार्बन कॉपी ऑफ द पेरेंट, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आता, इसलिए इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को माना जाता है। नेक्स्ट, स्टडी द फिगर बेस्ड ऑन द बायोमैग्निफिकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम दिया गया है, जिसमें वाटर के अंदर सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स,
फाइटोप्लैंकटन से फूड जाएगा जू प्लैंकटन्स को, आफ्टर दैट जू प्लैंकटन्स आर कंज्यूम बाय द स्मॉल फिश देन द लार्ज फिश एंड एट लास्ट इट इज कंज्यूम बाय द ह्यूमन आर बर्ड्स. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं. नेम द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट ए बी सी. द फिगर आपका फूड चेन है एक्वेटिक, और ए बी सी यहाँ पे फाइटोप्लैंकटन्स स्मॉल फिश और बर्ड आ जाएगा. मेंशन हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल दैट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे जो फ्लो है वो डी डी टी का दिखाया गया है. डी डी टी मीन्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये एक पेस्टिसाइड्स है जिसका कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट, आसिफ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इंड्यूस्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द क्लास. यहाँ पे दो कॉयल बने हुए हैं, एक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं और दूसरे के अंदर जो इंड्यूस करंट जनरेट होगा उसी को चेक करना होगा यहाँ पे. तो पहला प्रॉब्लम कह रहा है व्हाट डिड ही ऑब्जर्व व्हेन की के वाज क्लोज. जब की क्लोज रहता है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट रहती है और वहाँ पे करंट चलता है. तो जब यहाँ पे करंट पास होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा. इसलिए गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे कि डिफ्लेक्शन अपीयर होगा. की के को अगर हम ओपन कर दें, ओपन कर देंगे तो सर्किट ब्रेक रहेगी, नो करंट, इसलिए नो डिफ्लेक्शन. गिव रीजन फॉर हिज ऑब्जर्वेशन. रीजन यही है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं थी, अभी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मतलब कि यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट हुआ. और जब कहीं पे भी किसी कॉइल का राउंड फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ पे इंड्यूस करंट आ जाता है. डिफाइन द फिनोमिना इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. वाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल एस इज इंक्रीज. क्वाइल एस के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे इंड्यूस करंट और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा. अ क्रॉस वॉज कैरीड आउट बिटवीन अ प्योर ब्रीड ऑफ द टॉल पी प्लांट एंड अ ड्वार्फ पी प्लांट. तो टॉल का कैपिटल टी टी, ड्वार्फ का स्मॉल टी टी. फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी के आते हैं. जब इसका सेल्फ क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में एक कैपिटल टी टी और दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी आते हैं. इनका होता है फिनोटाइप टॉल, इसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ. तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 3:1 होता है और इन तीनों का रेशियो 1:2:1 होता है. पहला प्रॉब्लम है व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द एफ टू प्रोजिनी. फिनोटाइप रेशियो हो जाएगा मीन्स टॉल रेशियो ड्वार्फ 3:1. वाई एफ टू प्रोजिनी इज डिफरेंट फ्रॉम द एफ वन प्रोजिनी. एफ वन प्रोजिनी में सारे जो प्लांट होते हैं वो टॉल मिलते हैं और यहाँ पे टॉल के साथ साथ आपको ड्वार्फ भी मिलता है. यहाँ पे जो टॉल होंगे सब हेटरोजाइगस कंडीशन के होंगे, यहाँ पे जो टॉल होते हैं उसमें कुछ होमोजाइगस और कुछ हेटरोजाइगस कंडीशन के होते हैं. इसी का आर वाला पार्ट है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द प्रोजिनी व्हेन एफ वन प्रोजिनी एंड ड्वार्फ पेरेंट्स प्लांट वाज क्रॉस्ड. एक एफ वन प्रोजिनी मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया गया है ड्वार्फ पेरेंट मीन्स स्मॉल टी के साथ. और आपको मैंने बताया था कि इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं. व्हेन एफ वन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द एनी पेरेंट्स देन द इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. और अगर पेरेंट्स हम ड्वार्फ वाला ले लेते हैं तो उसी को टेस्ट क्रॉस कह देते हैं. तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस होगा तो ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द गैमेट प्रोड्यूस बाय ड्वार्फ प्लांट इज स्मॉल टी आफ्टर द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वी गेट फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन. दिस वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. यानी कि यहाँ पे हाफ ड्वार्फ प्लांट और हाफ यहाँ पे टॉल प्लांट आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे कह रहा है कि
वर्कआउट द क्रॉस, केवल क्रॉस को वर्कआउट करना था, ये क्रॉस दिखाना आपको है, तो इनको लिख देना आप लोग पेरेंट्स, इसको लिखोगे गैमिट्स, ये क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे लिख दोगे F2 जनरेशन। तो ये पूरा पेपर है, बिल्कुल आसान सा पेपर है ये। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।